एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, साफ सुथरा घर देखने में कितना अच्छा लगता है ना, और जितना ये घर देखने में अच्छा लगता है ना, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है घर को मेंटेन करके रखना, उसकी सफाई करके रखना। और घर की सफाई के लिए हम लेडीज़ न जाने कितने ऐसे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए भी बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। आज जो है ना, मैं आपके लिए लाई हूँ ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपके सफाई की जो टाइमिंग है ना, उसको बिल्कुल आधा कर देंगे और एक ही वाइप से जो है ना, आपका पूरा का पूरा घर जगमगा उठेगा। इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना फुल हाउस क्लीनिंग रूटीन। तो आज जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है वूकी के ये मैजिकल प्रोडक्ट, स्प्रे प्लस वाइप और स्प्रे प्लस स्क्रब। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, मैं आई हूँ किचन में और आज मैं करूँगी किचन की इस चिमनी को क्लीन जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। और देखिए इसमें कितने ज़्यादा दाग धब्बे और साथ ही साथ ऑयल लगा हुआ है, और इस ऑयल को छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चिमनी क्लीन करने की बारी आती है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, लेकिन अभी जो है मेरी टेंशन हो गई है दूर, क्योंकि मेरे पास है ये वूकी का मैजिकल प्रोडक्ट। देखिए कितनी आसानी से जो है इससे सारी चिमनी को मैं क्लीन करूँगी। इसका स्प्रे प्लस वाइप और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स इसके पीछे लगे हैं। बस आपको करना ये है कि चिमनी के जो फिल्टर्स होते हैं या पूरी चिमनी होती है उसमें इस तरीके से ये जो प्रोडक्ट है इसको स्प्रे कर देना है, और एक देखिए साफ सूखे कपड़े से इसको इस तरीके से हम वाइप करेंगे, और देखिए कपड़े पे जो है ना कितनी ज़्यादा गंदगी एक ही बार में निकल के आ गई है। तो इस तरीके से हम इसे क्लीन करेंगे। इस प्रोडक्ट के साथ ना सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप जो है ना अपने सामने रिजल्ट देख सकते हैं कि कितने अच्छे से जो है फिल्टर क्लीन हो गए हैं। और इसी तरीके से ना मैं इसको चिमनी पर भी यूज़ करूँगी। तो ये जो वूकी का प्रोडक्ट है ना, ये पीएच बैलेंस्ड फॉर्मूला के साथ आता है जो कि आपके सरफेस के साथ साथ आपकी स्किन के लिए भी बिल्कुल सेफ है। इसमें कोई भी जो हार्श केमिकल है ना उसका यूज़ नहीं हुआ है, कोई भी एसिड, कोई भी अमोनिया और कोई भी ब्लीच का यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि अक्सर जो होता है ना केमिकल वाले प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्लीनिंग के लिए ब्लीच का यूज़ होता है। तो इसका जो इंग्रेडिएंट है वो बिल्कुल अर्थ फ्रेंडली और ह्यूमन सेफ है। देखिए यहाँ पर जो है ना, मैंने पूरी की पूरी चिमनी बहुत अच्छे से क्लीन कर दी है और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितना बढ़िया रिज़ल्ट आया है। पूरा जो ग्रीस था ना चिमनी का बहुत ही इजीली निकल गया है, मुझे कोई भी मेहनत करनी नहीं पड़ी है। यहाँ काउंटर टॉप पे लग गए हैं हल्दी के दाग, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये स्प्रे प्लस वाइप। वूकी का ही मैजिकल प्रोडक्ट है दूसरा, इसको आपको सिर्फ स्प्रे करना है और एक सूखे कपड़े से वाइप कर देना है, और इतने में ही जो है ना ये पूरा का पूरा जो दाग है ना वो आसानी से निकल जाएगा। जो प्रोडक्ट है ना वो इकोलॉजिकल सेफ है क्योंकि ये बने हैं सेफर बायोडिग्रेडेबल फॉर्मूले के साथ। इसका जो एडवांस पीएच फॉर्मूला है ना वो दागों की जड़ों पर जाकर उनकी जड़ों को कट कर देता है, जिससे कि बहुत इजीली जो है ना ये दाग निकल जाते हैं। अभी ये जो वूकी का स्प्रे प्लस वाइप है ना, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपने जो कुकटॉप है उसके ऊपर। तो देखिए इसमें ना जब बार बार खाना गिरता है या कोई भी लिक्विड चीज़ गिरती है तो जम जाती है चारों तरफ, तो इससे बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है निकालना। आपको सिर्फ इसको स्प्रे करना है और इस तरीके से वाइप कर देना है। वरना तो क्या होता था ना कि मुझे इसमें पानी डाल के रखना पड़ता था थोड़ी देर, या किसी स्क्रबर की हेल्प से स्क्रब करना पड़ता था, तब जाके जो है ना ये जितना भी ग्रीस गंदगी होती थी ना वो निकलती थी। लेकिन के ना इन मैजिकल प्रोडक्ट ने मेरी मेहनत को बिल्कुल जो है आसान कर दिया है। अब मुझे बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, इनफैक्ट मेहनत करनी ही नहीं पड़ती है, बहुत ईजिली जो है ना देखिए किस तरीके से सारी चीज़ें क्लीन हो जाती है। इसकी जो फ्रेगनेंस है ना स्प्रे की, बहुत ही माइल्ड फ्रेगनेंस है। आपको क्या करना है ना कि इसको बस स्प्रे करना है और 30 सेकेंड के लिए छोड़ देना है और फिर इसको वाइप कर देना है। यहाँ पर गैस टॉप कितना अच्छे से जो है ना चमक गया है। अभी जो वूकी का ये दूसरा प्रोडक्ट है ना, इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने बाथरूम के नल और ये जो वॉश बेसिन है इस पर। तो वूकी का जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है ये वूकी का जो स्प्रे प्लस स्क्रब है।
इसको नल पे जो है इस तरीके से आपको स्प्रे करना है, और जो भी वॉश बेसिन है या मतलब बाथरूम वाला एरिया है वहाँ पर आप इसको इस तरीके से जो है स्प्रे कर सकते हैं। तो जो लाइम स्केल होते हैं ना, जैसे पानी वाले दाग होते हैं, तो बहुत ईजिली इससे रिमूव हो जाते हैं। तो बस इस तरीके से जो है इसको स्प्रे करेंगे और अच्छे से जो है इसको स्क्रब कर देंगे। जो वूकी के प्रोडक्ट हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं टाइल्स पे, मार्बल्स पे, ग्रेनाइट, सीमेंट, किचन काउंटर टॉप पे, सेरेमिक पे, स्टील, एल्यूमिनियम, ग्लास, एक्रेलिक, प्लास्टिक और भी वॉशेबल हार्ड सरफेस पे। और एक सबसे बेहतरीन बात वूकी के प्रोडक्ट की ये है कि ये मेड इन इंडिया है, तो हमारे इंडिया में बने हुए ये प्रोडक्ट हैं। और यहाँ पर देखिए आप नल कैसा चमक गया है ना। अब देखिए चलते हैं रूम पे, और ये जो स्विच बोर्ड है ना ये बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। हम इनको बार बार टच करते हैं तो उंगलियों के निशान जो है ना इस पे लग जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं क्लीन करना। तो मैंने इसमें अभी देखिए वूकी का प्रोडक्ट जो है स्प्रे कर दिया है, और देखिए बस मैं इसको जो है ना एक सूखे कपड़े से इस तरीके से पोंछ रही हूँ। स्विच बोर्ड साफ़ करने के लिए आप इस प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे ना, तो सबसे पहले ना आप ये जो स्विच बोर्ड है ना इसके स्विचेस बंद कर लीजिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बारी आती है डाइनिंग टेबल की, तो यहाँ पर जो तेल के दाग है ना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं निकलने। अचार के दाग अक्सर जो है डाइनिंग टेबल पे लग जाते हैं, और आप पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, उसके भी जो दाग है ना वो भी डाइनिंग टेबल पे लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने जो है स्प्रे कर दिया है वूकी का प्रोडक्ट, और बस अभी एक कपड़ा लिया है साफ़ और इस तरीके से मैं वाइप कर दूँगी पूरा टेबल, मैं इससे क्लीन कर दूँगी। प्रोडक्ट के साथ क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा इजी बन गई है और साथ ही साथ मज़ेदार भी बन गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं क्लीनिंग करना। बस स्प्रे करो, वाइप करो और पूरा का पूरा घर बिल्कुल चमचमा रहा है, एक एक चीज़ जो है ना बिल्कुल क्लियर हो गई है। और आप देख सकते हैं अभी डाइनिंग कोई निशान छोड़े, देखिए कितने अच्छे से पूरा डाइनिंग टेबल क्लीन हो गया है। आप भी जो है ना इन प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं ना, तो लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाके जो है इन प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। बाकी डाइनिंग टेबल आपके सामने है। और अभी क्या है इवनिंग टाइम, हस्बैंड देख रहे हैं आईपीएल, और आईपीएल देखते देखते इन्होंने मेरे से डिमांड की थी चाय की। अभी चाय तो मैंने इनके लिए बना दी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो चाय जो है ना गिरा दिया है जो सामने स्टडी टेबल है उसके ऊपर। और ये देख के ना मुझे सच बताऊँ बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वूकी के प्रोडक्ट के साथ ना अभी सफाई करना बहुत इजी हो गया है। तो देखिए कितने ज़्यादा गंदे निशान हो गए हैं। बस अभी क्या करना है, झटपट मैजिकल प्रोडक्ट जो है उसको स्प्रे करेंगे और उसके बाद वाइप कर देंगे, और ये जो दाग है ना बहुत ही ईजीली जो है एक ही वाइप में निकल जाएगा, कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है ना यहाँ पर। इसलिए मैं कह रही हूँ ये जो प्रोडक्ट है ना ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले प्रोडक्ट हैं, तो इनको आप इस तरीके से स्टडी टेबल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए मेरे फ्रिज में कितने ज़्यादा दाग धब्बे लगे हुए हैं, ये मेरे हाथों के ही निशान हैं, मेरे और बच्चों के। तो फ्रिज बार बार खुलता है ना तो इस तरीके से उंगलियों के निशान आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने ये जो वूकी का प्रोडक्ट है इसको स्प्रे कर दिया है अच्छे से, और बस अभी एक वाइप करूँगी मैं, और ये फ्रिज भी बिल्कुल अच्छे से जो है ना क्लीन हो जाएगा, बिल्कुल शाइन मारेगा मेरा फ्रिज। जो रिज़ल्ट है वो आपकी आंखों के सामने ही है, और आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली जितनी भी चीज़ें हैं ना वो अच्छे से क्लीन हो जा रही हैं। ती है किचन के सिंक को क्लीन करने की, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वूकी का ये स्प्रे प्लस स्क्रब। तो जो प्रोडक्ट है उसको अपने सिंक पे इस तरीके से आपको स्प्रे कर देना है, और उसके बाद स्क्रबर की हेल्प से ना अच्छे से इसको स्क्रब करेंगे। उसके बाद पानी की हेल्प से पूरे सिंक को अच्छे से वॉश कर लेंगे, और फिर आप देखना कि आपका सिंक कितना चमक जाएगा। वीडियो का एंड, वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।